हेलो एंड वेलकम टू एन एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ कॉमन सेंस। मैं हूं आपके साथ रजत सेठी, जो कि कॉमन सेंस का आज का एपिसोड लेकर आया हूं। परमंडल मोड़ में लगे रेमन सर्कस है। जी हां, रेमन सर्कस में हम आए हैं लोगों की कॉमन सेंस चेक करने के लिए, क्योंकि रेमन सर्कस की तरफ से हमें मैसेज दिया गया था कि हम इनके सर्कस में आके लोगों की कॉमन सेंस को चेक करें। इसलिए हम यहां पर आए हैं आज लोगों की कॉमन सेंस चेक करने के लिए। कुछ आसान से कॉमन सेंस वाले सवाल हम उन लोगों से पूछेंगे, पर प्रोग्राम शुरुआत करने से पहले हम आपको दिखाएंगे हमारा हर बार की तरह इंटरेस्टिंग फैक्ट। जी हाँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट देख के आपको हमेशा की तरह नॉलेज मिलेगी, और जब आपको नॉलेज मिलेगी तब आप हमें जरूर याद करेंगे। तो देखिए हमारा ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। दोस्तों, ये तो था हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिसमें हमने आपको दिखाया कि जो औरतें होती हैं उनकी सूंघने की क्षमता मर्दों से कहीं ज्यादा होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये फैक्ट पसंद आया होगा। करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम की शुरुआत। हमारे प्रोग्राम का जो पहला सवाल है आज का, वो ये है कि इंग्लिश का ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जो एक पीने वाली चीज का नाम भी है। ध्यान से सुनिए, इंग्लिश का ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जो एक पीने वाली चीज का नाम भी है। ये कॉमन सेंस वाला सवाल है जो हम रेमन सर्कस में आए कुछ लोगों से पूछेंगे। तो आइए चलते हैं कुछ लोगों के पास और देखते हैं उनमें कितनी कॉमन सेंस है। दोस्तों, इस वक्त हम रेमन सर्कस में हैं, जहाँ पर हम लोगों की कॉमन सेंस चेक करें। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अपना नाम बता दें। हम, मेरा नाम फौजिया है। हम कॉमन सेंस है आप में? हाँ। कितनी? चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे? आप क्वेश्चन पूछिए ना, अगर मेरा आंसर ठीक निकला तो मेरे में बराबर कॉमन सेंस है। नाम बता दें सर अपना। विकी मनहास। कॉमन सेंस है आप में? हल्की फुल्की। हल्की फुल्की मतलब? मतलब कि जितना सा आता उतना बोलेंगे। मैम, हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है कॉमन सेंस, जिसमें हम कुछ कॉमन सेंस वाले सवाल पूछने लोगों से। मैम भाग क्यों रहे हैं? चलिए, ये हमसे डर रहे हैं, किसी और के पास चलते जो हमसे ना डरे और हमारे सवालों के सही जवाब दे। सर, हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है उधर। नहीं, हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम कॉमन सेंस वाले सवाल पूछते हैं कुछ लोगों से। आप में कॉमन सेंस है पहले ये बताइए। आप उनसे पूछे पहले। आप अपना बेबी है ना? नहीं, बेबी पकड़ के कॉमन सेंस नहीं लगती? नहीं नहीं। आप बताएं सर, कॉमन सेंस है आप में? पक्का है? कितने परसेंट? कितने परसेंट है? बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा? काफी ज्यादा है। काफी? नाम बता दें मैम अपना। राशि। कॉमन सेंस है आप में? मेबी। मेबी मतलब कि आप कंफर्म नहीं हो गया है? पता नहीं चलता ना आजकल। क्यों नहीं पता चलता? आइडिया लगता है कि डिपेंड करता है कब कॉमन सेंस यूज करनी कब नहीं करनी। तो मतलब है तो सही ना? हमने फिलहाल है। यूज करोगे? अभी सवाल पूछूं आपसे एक? हाँ बोलो। चलिए बताइए, ऐसा कौन सा अल्फाबेट है इंग्लिश का जो एक पीने वाली चीज का नाम भी है? पीने वाली चीज में भी है अल्फाबेट इंग्लिश का? वाई पीने एक सिंगल अल्फाबेट है, वो एक पीने वाली चीज का नाम भी है। ऐसा कौन सा अल्फाबेट है वो? पीने वाली चीज भी है। पीने वाली चीज का नाम है वो? मैम आप यूज करने वाले थे कॉमन सेंस? अभी तो कह रही मे बी, तभी तो पहले बोलती है मे बी। अभी यूज नहीं हो रही? अभी अभी यूज नहीं हो रही। पी? पी कैसे होगा? आपने मतलब पीने वाली चीज? पी कोई पीने वाली चीज है क्या? पी लगा दो, पी आ गया। पी कोई पीने वाली चीज छोड़ना है। सर, इंग्लिश का ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जो एक पीने वाली चीज का नाम भी है? जो एक पीने वाली का चीज का नाम है वो? पीने वाली चीजें तो काफी है ना। पीने वाली चीज तो सर वैसे वैसे हम तो ज्यादा कोल्ड ड्रिंक यूज करते हैं ना, दूसरी तो नहीं है वो। वी आर नॉट हैवी ऑन अदर्स। कोल्ड ड्रिंक्स यूज करते हैं सर। पर ऐसा कोई एक अल्फाबेट है जो एक पीने वाली चीज का नाम भी है, ऐसा कौन सा अल्फाबेट है वो इंग्लिश का? अल्फाबेट जैसे आप कोको कोला की बात कर रहे हैं सर, समझ नहीं रहे मैं क्या पूछ रहा हूँ। बात कर रहे जो बात आप बोल रहे हैं वो ड्रिंक, हमको उनका ज्यादा नाम नहीं पता भाई। आपको नहीं पता मैं क्या? नहीं। तो बताइए इंग्लिश का ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जो एक पीने वाली चीज का नाम भी है? पी? पी कैसे? पी से बी? पी से बी? पीने वाली चीज का नाम है वो? एक चीज है पीने वाली, उसका नाम है वो? मैंगो। मैंगो तो हंसे आ गया सर। मैंगो हम पीते भी हैं और जूस भी होता है मैंगो। अच्छा बताइए, कॉमन सेंस आप में? थोड़ी बहुत। अच्छा थोड़ी बहुत है, मतलब ज्यादा नहीं है? नो। मतलब आपको अगर मैं सवाल पूछूंगा उसका जवाब दे पाओगे या नहीं दे पाओगे? मे बी दे पाओगे? यस। चलो एक सवाल है हमारे पास कॉमन सेंस का, बताइए सर इंग्लिश का ऐसा कौन सा अल्फाबेट है
जो एक पीने वाली चीज का नाम दिया। इंग्लिश का वाटर भी है सर। कॉमन सेंस है आपने? कॉमन सेंस हाँ। इतना सोच क्यों रहे थे? ऐसे ही सोचना था, सोच के थोड़ी बता रहे हैं, वैसे ही ठहर के बता रहे हैं। सोच के अब ये सोच रहे थे कि है या नहीं है। नहीं नहीं वो बात। चलिए एक सवाल पूछो कॉमन सेंस वाला। बोलो सर बताइए, इंग्लिश का ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जो एक पीने वाली चीज का नाम दिया? इंग्लिश का कौन सा अल्फाबेट है जो एक पीने वाली चीज का नाम दिया? पी। पी कैसे? पी कैसे? हर शख्स वो चीज पीता होगा, लगा लो। पानी। पानी तो पीता होगा, पर वो लेटर कैसे आया? मतलब इंग्लिश का कौन सा एक ऐसा अल्फाबेट है जो एक पीने वाली चीज का नाम है? नहीं, कोई आइडिया नहीं है। आप में है सर कोई आइडिया? पीने वाला ड्रिंक। ड्रिंक तो ठीक है, पर लेटर कौन सा है वो जो पीने वाली चीज का नाम है? नहीं पता। कोई आइडिया नहीं? नहीं नहीं। आपको भी कोई आइडिया नहीं? आपको कोई आइडिया नहीं? मैम बताइए, इंग्लिश का ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जो एक पीने वाली चीज का नाम भी है? पीने वाली चीज। सोचिए कॉमन सेंस वाला सवाल है। इंग्लिश में ऐसी कौन से अल्फाबेट है जो एक पीने वाली चीज का नाम है? सोचिए मैम, आसान सा जवाब है। एक अल्फाबेट है, कौन सा अल्फाबेट है वो जो पीने वाली चीज का नाम भी है? पीओ। पीओ एक अल्फाबेट, ओनली वन अल्फाबेट, इट्स नॉट अ वर्ड। सोचिए ना, कोई आइडिया? नो। अभी कॉमन सेंस नहीं है मतलब आप में? शायद नहीं है। शायद नहीं है? नहीं है। आप में भी नहीं है? हाँ है। आप में है तो बताओ ना फिर क्या जवाब है इसका। आप तो इसे क्वेश्चन पूछे, आप मुझे दूसरा क्वेश्चन बताइए। क्या? इंग्लिश का ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जो एक पीने वाली चीज का नाम भी है? टाइगर। टाइगर। टाइगर कहाँ से आ गया? शेर की। अरे सर शेर नहीं, इंग्लिश का कौन सा अल्फाबेट? आप बताएं सर। इधर शेर नहीं है। ऐसा कौन सा अल्फाबेट है इंग्लिश का जो एक पीने वाली चीज का नाम भी है? पी ही तो सही है। कॉमन सेंस आप में? कैसा लग रहा है आपको? मेरे को कैसे लगेगा? आपको क्या लग रहा है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी तो सब में चाहिए सर। हाँ भी है यार। है? हाँ भी। कितने परसेंट? क्या लगता है आपको? मेरे को कैसे लगेगा? 100% होनी चाहिए यार। 100% बिल्कुल। चलिए कॉमन सेंस वाला सवाल पूछो आपसे। पूछिए सर। बताइए ऐसा इंग्लिश का कौन सा अल्फाबेट है जो एक पीने वाली चीज का नाम दिया? अजीब सा सवाल कर लिया यार तुमने। अजीब सा नहीं सर, कॉमन सेंस वाले सवाल है। अल्फाबेट वो जो पीने वाली चीज है। पीने वाली चीज है। थोड़ा क्लू देना यार। क्लू क्या दूं सर, अल्फाबेट इंग्लिश का ही है, कोई ये मैं क्लू दे सकता हूँ? गिननी पड़ेगी पूरी अल्फाबेट और क्या होगा। गिन लो ना, हम खड़े हैं यहाँ पे। अभी हम वेट कर रहे हैं। आइसक्रीम होनी चाहिए। आइस। आई थिंक आइस है सर। एक ही वर्ड है वो एक पीने वाली चीज का नाम। एक सिंगल वर्ड ही होगा। सिंगल वर्ड है वो। कौन सा नाम? पी। कैसे होगा? पी नहीं होता। नहीं नहीं पी। यार कुछ नहीं समझ आ रहा। कोई भी नहीं आ रहा। सर हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम कुछ सवाल पूछते हैं कॉमन सेंस वाले। नाम बता दें अपना। नरोत्तम कुमार। सर कॉमन सेंस है आप में? हाँ। कितने परसेंट? 99%। 1% कहाँ पे है? सर 1% तो वीक पॉइंट होता है यार। एक का वीक पॉइंट होता है। चलिए एक सवाल पूछूं कॉमन सेंस वाला आपसे। सर बताइए इंग्लिश का ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जो एक पीने वाली चीज का नाम भी है? कोई आइडिया नहीं? थोड़ा सोचो, कॉमन सेंस वाली चीज है। सॉरी कोई आइडिया नहीं। कोई आइडिया नहीं? मैम आपको पता कुछ कौन सा अल्फाबेट है इंग्लिश का? आपको कोई आइडिया नहीं? कॉमन सेंस नहीं है मतलब सर? आप बता दो। मेरे को तो पता सर, मैं तभी तो पूछ रहा हूँ आपसे। नो आइडिया सर। चलिए कॉमन सेंस मतलब अभी कहीं गई हुई है आपकी। कब आएगी वापस? पता नहीं, देखते हैं। चलिए बात करते कुछ और लोगों से।
आप नाम बताएं अपना। एक रासलम। कहाँ के रहने वाले? श्रीनगर के। अच्छा, कॉमन सेंस आप में? यस ऑब्वियसली। कितने परसेंट? पूरे 100%। सवाल पूछे कॉमन सेंस वाला। ओके, बताइए मैम, ऐसा इंग्लिश का कौन सा अल्फाबेट है जो एक पीने वाली चीज का नाम भी है? इंग्लिश वाला जो पीने वाली, इंग्लिश का अल्फाबेट है एक ऐसा जो एक पीने की चीज का नाम भी है, वो कौन सा अल्फाबेट है? पीने का है। पीने वाली चीज है एक, इंग्लिश का कौन सा अल्फाबेट है जो एक पीने वाली चीज का नाम भी है? अल्फाबेट, एक ही अल्फाबेट है। एक ही अल्फाबेट है। सी। जूस है मैम? जूस नहीं, नहीं, सी। सी कैसे? सी को पीते हो आप? नो नो। ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जो पीने वाली चीज भी है? एक सिंगल अल्फाबेट है। सिंगल अल्फाबेट है, वो भी एक पीने वाली चीज का नाम भी है, ऐसा कौन सा अल्फाबेट है वो? नहीं कोई आइडिया नहीं। नहीं कोई आइडिया नहीं। चलिए, इनको कोई आइडिया नहीं है कि ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जो एक पीने वाली चीज का नाम भी है। कुछ और लोगों के पास सकते हैं बियर। वो तो अलग चीज होगी ना, एक सिंगल अल्फाबेट है जो इसको, जिसकी एक पीने वाली चीज भी हम पीते हैं आमतौर पे। कोई आइडिया? नो। आपको आइडिया सर? कोई आइडिया? एक वर्ड है खाली, एक लेटर है, कौन सा लेटर है वो जो एक पीने वाली चीज का नाम भी है? टी। उन्होंने बताया आपको? उन्होंने क्या? टी सभी पीते हैं या पीते तो सभी हैं? आपको कितना पता था? नहीं, ये तो पता था, मतलब कॉमन सेंस। अभी भी क्या है? अभी भी क्या है? एक सिंगल अल्फाबेट है, वो एक पीने वाली चीज का नाम है, कौन सा अल्फाबेट है वो? टी। टी पीते हैं? पीते हैं। कितनी बार पीते हैं? दिन में 5-6 बार तो पी लेते हैं भाई। लेते हैं। चलिए, नाम क्या आपका? अमित। चलिए, अमित जी ने कॉमन सेंस लगा लिया और इनका कहना है टी एक ऐसा अल्फाबेट है जो एक पीने वाली चीज का नाम भी है। बात करते कुछ लोग। चलिए, इसका जो जवाब है वो है टी। टी तो आगे अल्फाबेट वो। चलिए, मैं बता दूंगा आपको, वो लेटर सर है टी। आगे सर कुछ भी नहीं है बीच में ना, नन्नो। अच्छा, अगर मैं बोलूं टी है वो वर्ड तो? या क्या बात है, वंडरफुल। सही सही बात है। एग्जैक्टली, इससे लगता है कि आप 100% कॉमन सेंस रखते हो और हम नहीं। दोस्तों, कार्यक्रम के पहले भाग में हमने लोगों से एक आसान सा सवाल पूछा था कि ऐसा कौन सा इंग्लिश का अल्फाबेट है जो कि एक पीने वाली चीज का नाम भी है। ये एक आसान सा कॉमन सेंस वाला सवाल था कि इंग्लिश का ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जो एक पीने वाली चीज का नाम भी है, और उसका जवाब जो है वो है टी। टी हम दिन में कई बार पीते भी हैं, और वही एक ऐसा अल्फाबेट है जो एक पीने वाली चीज चाय का नाम है। पर लोग पता नहीं अपनी कॉमन सेंस कहाँ रख के आए थे, इस्तेमाल नहीं कर रहे थे कॉमन सेंस, और पता नहीं क्या क्या जवाब दे रहे थे। पी बोल रहे थे, कोई आई बोल रहा था, पर उनके सवाल के जवाब जो थे वो सारे गलत थे। चलते हैं कार्यक्रम के दूसरे भाग की तरफ। दूसरे भाग में हम एक और लोगों से आसान सा सवाल पूछेंगे कि ऐसा कौन सा शख्स है दुनिया का जो दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट पहनता है। जी हाँ, ये एक कॉमन सेंस वाला सवाल है कि दुनिया का ऐसा कौन सा शख्स है जो दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट पहनता है। तो आइए चलते हैं उस लोगों के पास और देखते हैं उनमें कितनी कॉमन सेंस है। नाम बता दे सर अपना। विजय कुमार। कहाँ के रहने वाले? रेहाड़ी के। अच्छा, कॉमन सेंस है आप में? क्या कॉमन सेंस है? कॉमन सेंस क्या? कॉमन सेंस है आप में? पक्की बात है ना? कंफ्यूज थे आप थोड़े। नहीं नहीं, मैं यही बोलेगा, मैं नहीं बोलूंगा। सवाल तो हमने आपसे पूछना था कॉमन सेंस का, इससे पूछो आप। पहले आपसे पूछते हैं, फिर उससे भी पूछते। बताइए सर, दुनिया का ऐसा कौन सा शख्स है जो दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट पहनता है? ये मालूम नहीं मुझे, मैं तो गाड़ी चलाता हूँ। बताइए, दुनिया में सबसे बड़ी हेलमेट पहनने वाला बंदा कौन है? सबसे बड़ी हेलमेट कौन सा बंदा है जो सबसे बड़ी हेलमेट पहनता है? कोई बर्ड होगा या कोई एनिमल। बर्ड को आज तक कभी आपने हेलमेट पहने हुए देखा? कहाँ के रहने वाले हो? यूपी का। यूपी का। अच्छा, कॉमन सेंस है आप में? फोन आ गया भैया मेरा। फोन बंद करो ना पहले। नहीं, फोन आ गया भैया, हम बैठे हुए, फोन करोगे आप? हाँ हाँ भैया। क्यों? गर्लफ्रेंड की फोन है ना, इस वजह से। गर्लफ्रेंड भी रखी हुई जी? कॉमन सेंस रखी है? वो नहीं रखा मैंने। क्यों नहीं रखा? गर्लफ्रेंड रखा, कॉमन सेंस नहीं रखा। अब वो भी कैसे खरीद के लाऊंगा? चलिए, एक मैं आपसे सवाल पूछूं। पूछिए।
बताइए ऐसा कौन सा शख्स है जो सबसे बड़ी हेलमेट पहनता है दुनिया में? ऐसा बड़ा कौन सा शख्स, मतलब ऐसा कौन सा इंसान है जो दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट पहनता है? वो है रावण, जिनको 10 सिर है। हेलमेट पहने हुए देखा कभी रावण? नहीं, तो उनको हेलमेट की तरह ही होता है ना, 10 सिर इतने बड़े। रावण के अलावा कोई और नहीं बनेगा? रावण के अलावा और किसको? 10 सिर उन्हीं को, इंसान को तो उतनी बड़ी नहीं है भैया। इंसान को नहीं बने? नहीं। चलिए, इनके हिसाब से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो कि सबसे बड़ी हेलमेट बनेगा, सिर्फ एक रावण है जो कि सबसे बड़ी हेलमेट बना सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। सही बोला सर। सही। सर बताइए ऐसा कौन सा शख्स है दुनिया का जो दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट पहनता है? कोई आ गया? थोड़ा सोचो ना सर, कॉमन सेंस वाली चीज है। हेलमेट पहने हुए देखा सर आपने कभी? हाँ देखा ना, बस मतलब सबसे बड़ी हेलमेट दुनिया की वो पहनता है, पर कौन शख्स है वो? कोई आईडिया नहीं आपको सर? कोई आईडिया? हेलमेट कोई आईडिया नहीं। चलिए, इनको कोई आईडिया नहीं है, किसी और के पास चलते हैं जिनको आईडिया हो और हमारे सवालों के वो जवाब दे पाए। कॉमन सेंस है आप में? जी कॉमन सेंस है आप में सर? क्यों नहीं है? कॉमन सेंस कौन सा? कॉमन सेंस सर, कॉमन सेंस वो क्या होता है? सोचने समझने की सेंस। जी है? जी पूरी है? जी। एक चीज पूछूं मैं आपसे, सवाल पूछूंगा एक? पूछो। बताओ सर ऐसा कौन सा शख्स है दुनिया का जो दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट पहनता है? ये तो पता नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस वाली चीज। दोबारा से पूछिए। दुनिया का ऐसा कौन सा इंसान है जो दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट पहनता है? क्या बता सकते हैं? मोदी। मोदी क्यों मैंने? कौन सा इंसान है दुनिया का यार, ये तो पता नहीं है। पहले बताओ, मोदी को आपने हेलमेट पहने देखा कभी? नहीं 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 नहीं, वैसे तो कौन सा इंसान होगा? सुनने वाला है इंसान, क्या बता सकते हैं आप? कोई आईडिया? कोई आईडिया आपको? कोई आईडिया मैम? कौन सा शख्स होगा दुनिया का जो सबसे बड़ी हेलमेट दुनिया की पहनता होगा? नहीं है। कोई आईडिया नहीं है आपको? मेरे को नहीं। आप में कॉमन सेंस नहीं है? है पर ये नहीं पता कि कौन है वो शख्स। नहीं पता। नहीं पता, चलिए इनको नहीं पता। कॉमन सेंस है आप में? हाँ जी कॉमन सेंस। हाँ जी। कितनी है? ठीक है ठीक है ठीक है। कितनी है मतलब कितने परसेंट है? 100% है। 100% है। सवाल पूछे, कॉमन सेंस का जवाब दोगे? हाँ। चलिए एक सवाल पूछता हूँ आपसे, बताइए सर ऐसा कौन सा शख्स है दुनिया का जो दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट पहनता है? सोचो सर, कॉमन सेंस वाली चीज है। ऐसा कौन सा शख्स है दुनिया का जो सबसे बड़ी दुनिया की हेलमेट पहनता है? सबसे बड़ी दुनिया की हेलमेट पहनता है। हेलमेट पहने हुए लोगों को देखा सर आप? हाँ वो देखे। वो देखे ना, मतलब ऐसा कौन सा होगा शख्स जो दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट पहनता होगा? बड़ा मशहूर शख्स है वो। मशहूर कौन हो सकता? सोचो ना। यहाँ तो सोच रहे कौन? हाँ जी कॉमन सेंस है। सर्कस देखने आए भैया। सर्कस देखने आए तो कॉमन सेंस नहीं होती क्या? क्या मतलब? कॉमन सेंस मतलब सोचने समझने की सेंस है। हम आपसे एक सवाल पूछेंगे आसान सा, उसका जवाब दे पाओगे? बोलो। पूछे? हाँ पूछो। चलिए बताइए सर, दुनिया का ऐसा कौन सा शख्स है दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट पहनता है? मेरा सर सही है। थोड़ा दिमाग लगाओ ना, कॉमन सेंस वाली चीज है। क्या दिमाग लगाए? कौन सा शख्स है दुनिया का? मुझे तो पता नहीं। आपको कोई आइडिया सर? सोचो ना, बड़ा मशहूर शख्स है वो। बोले सर? कोई आइडिया नहीं, कॉमन सेंस नहीं है। ये में कॉमन सेंस नहीं, किसी और से बात करते हैं। नाम बता दे सर अपना। अक्षय गुप्ता। कहाँ के रहने वाले? सांबा से हैं। सांबा से वो कॉमन सेंस है आप में? हाँ बिल्कुल है। कितने परसेंट? 100% 100% है। मतलब एक कॉमन सेंस वाला सवाल पूछूंगा, उसका जवाब दे दोगे? पूछो। बताओ सर, दुनिया का ऐसा कौन सा शख्स है जो दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट पहनता है? दुनिया का सबसे बड़ा शख्स? ऐसा कौन सा शख्स है जो दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट पहनता है? हेलमेट देखी ना आपने? हाँ। सबसे बड़ी हेलमेट पहनता है वो कौन सा शख्स? वो कौन हो सकता है? वो सोचो ना, आपको सोचना, मैंने थोड़ा सा सोचा। पता नहीं। सोचो, बड़ा मशहूर शख्स है वो। हेलमेट पहनता है? आप चलाते हो बाइक? हाँ। हेलमेट पहनते हो? हाँ बिल्कुल। बस वो भी हेलमेट पहनता है, दुनिया का कौन सा शख्स है वो सबसे बड़ी हेलमेट पहनता है वो? पता नहीं, इसको पता होगा। आपको पता सर? नहीं जनाब, मुझे भी नहीं पता। कोई आइडिया? कोई आइडिया?
मशहूर शख्स है, थोड़ा दिमाग लगाओ ना, कॉमन सेंस वाली चीज है। हेलमेट, इतनी बड़ी हेलमेट तो हमने कभी देखी नहीं भाई। कितनी बड़ी? कितनी बड़ी आप बोल रहे हो? मैं तो बोल रहा हूँ सबसे बड़ी दुनिया की, जो दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट पता नहीं, आई डोंट नो। कोई आईडिया आपको? कोई आईडिया? चलिए, इनको कोई आईडिया नहीं है कौन सा शख्स है वो दुनिया का जो दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट पहनता है। बात करते हैं कुछ और लोग, हमने हेलमेट नहीं पहनी कभी। इसको पूछो यार। आप आओ इधर, नाम बताए। क्या पूछना है बताओ ना, नाम बताओ अपना। रुद्र गुप्ता। कॉमन सेंस आप में? हाँ। कितने परसेंट? ठीक, 90% 90% है। दुनिया का ऐसा कौन सा शख्स है जो दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट पहनता है? बोलो क्या बता? कोई आइडिया? हेलमेट पहने हुए देखा लोगों को? हाँ देखा ना। कौन होगा वो शख्स सबसे बड़ी हेलमेट? सबसे बड़ी हेलमेट दुनिया की वो तो हेलमेट नॉर्मल बड़ी है ना, वो सबसे बड़ी हेलमेट पहनता है। कौन है वो शख्स क्या बता? कोई आइडिया? अब नाम मैम बताए अपना। हेलो, नाम बताए अपना। साक्षी। कहाँ के रहने वाले? सांबा। अच्छा, कॉमन सेंस है आपने? यस। चलिए एक सवाल पूछूंगा कॉमन सेंस। यस बताइए मैम, दुनिया का ऐसा कौन सा शख्स है जो दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट पहनता है? जिसका सर सबसे बड़ा है। आपको आ रहा है मैम कुछ? नो, कोई आइडिया नहीं है? कोई आइडिया नहीं। देखा है आपने कभी हेलमेट पहने हुए लोगों को? हाँ, बाइक पे देखा है। देखा ना, तो मतलब ऐसा कौन सा शख्स होगा जो सबसे बड़ी हेलमेट पहनता है? इंसान ही है। इंसान तो होगा, कौन सा शख्स होगा? सर सबसे ज्यादा बड़ा होगा। ये आपका नाम क्या? फातिमा। चलिए, इन्होंने कॉमन सेंस लगा लिया। इनका कहना है कि जिसका सर सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी हेलमेट पहनेगा। दोस्तों, कार्यक्रम के दूसरे भाग में भी हमने लोगों से एक आसान सा कॉमन सेंस वाला सवाल पूछा था कि दुनिया का ऐसा कौन सा शख्स है जो दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट पहनता है। इस सवाल का जो जवाब था वो सवाल से भी आसान था, वो ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा शख्स जिसका सिर सबसे बड़ा होगा वही दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट पहन सकता है, और उसके अलावा कोई शख्स नहीं हो सकता जो दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट पहने। पर लोग जो है वो अपने दिमाग नहीं लगा रहे थे, कॉमन सेंस नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, और जवाब जो दे रहे थे वो आडे टेढ़े दे रहे थे। कोई बोल रहा था कि रावण ऐसा शख्स होगा जो दुनिया का सबसे बड़ी हेलमेट पहनता होगा, कि कोई बोल रहा था मोदी होगा, पर इनके जवाब जो थे वो गलत थे। चलते हैं कार्यक्रम के तीसरे भाग की तरफ। तीसरे भाग में हम एक टंग ट्विस्टर पूछेंगे लोगों से। टंग ट्विस्टर हमारा आज का ये है, बेली बॉट बटर। लोगों को बोलेंगे पांच बार बोलने के लिए बेली बॉट बटर। आइए चलते हैं उस लोगों के पास और देखते हैं वो ये टंग ट्विस्टर बोल पाते हैं या नहीं। बेली बॉट बटर पांच बार। बेली बॉट बटर, बेली बॉट बटर है ना? पांच बार बोला तेज। बेली बॉट बटर, बेली बॉट बटर। गलत हो रहा है। बेली बॉट बटर है ना? बेली बॉट बटर, बेली बॉल बटर, बेली बॉट बटर। बॉट होता ना खरीद रहा। बेली बॉल बटर, बेली बॉल, बेली बॉट बटर, बेली बॉल बटर, बेली बॉल बटर। बॉल नहीं है मैम, बेली बॉट बटर। बेली बॉल बटर, बेली बॉल बटर, बेली बॉल बटर। बेली बॉट बटर बोलना पांच बार। बेली बॉट बटर बोलना पांच बार। बेली बॉट वाटर, बेली बॉट बटर, 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 बेली बॉट बटर। बोल दिए। नाम क्या है? अक्षय। चलिए अक्षय जी, टंग ट्विस्टर हमारा बोल बैठे हैं, बात करते कुछ लोगों से। नाम बता दो सर अपना। भागे हैं किसी और के पास चलते, जो भागे नहीं। बेली बॉट बटर बोलना है आपने पांच बार। क्या बोल रहे हैं? बेली बॉट बटर पांच बार। बेली बॉट बटर, बेली बॉट बटर, बेली बॉट बटर, बेली बॉट बटर, बेली बॉट बटर। बोलिए। रुद्र गुप्ता। चलिए रुद्र जी भी निकल चुके हैं, जो हमारा टंग ट्विस्टर बोल चुके हैं, बात करते हैं कुछ लोगों से। चलिए एक टंग ट्विस्टर बोलने के लिए बोलेंगे हम आपको। ओके, हमने बोला बेली बॉट बटर पांच बार। सॉरी क्या? बेली बॉट बटर पांच बार। बेली बॉट बटर, 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 बेली बॉट बटर। बोलिए। साक्षी। चलिए साक्षी जी हमारा टंग ट्विस्टर बोल चुके हैं। नाम बताओ बच्चा आप। हाँ? नाम बताओ अपना। लोनिक। कितनी एज कितनी है आपकी?
और क्या? कितनी एज आपकी? एज 95 95 एज है? काफी बूढ़े हो। बेली बॉट बटर बॉट बेली बॉट बटर बेली बॉट बटर बेली बॉट बटर बेली बॉल बटर गलत हो गया बॉल बटर गलत हो गया बेली बॉल बटर बॉल कहाँ से आ रहा है आप बोल सकते हो बेली बॉट बटर 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 बोल दिया नाम क्या था रबरूप कौर चलिए ये तो हमारा टंग ट्विस्टर जो है वो बोल पाए हैं किसी और के पास चलते हैं और देखते हैं वो हमारा टंग ट्विस्टर ये बोल पाते हैं एक लास्ट बेली बॉट बटर बेली बॉट बटर बेली बॉट बटर बेली बॉट गलत हो गया तो क्या है बेली बॉट बटर बटर बेली बॉट 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 बटर जल्दी जरार अहमद मतू चलिए जरार जी हमारा टंग ट्विस्टर बोल चुके हैं दोस्तों आप सोच रहे होंगे हम यहाँ पर लोगों की कॉमन सेंस चेक करने के बाद सामान बेचना शुरू कर चुके हैं पर ऐसा बिल्कुल नहीं है हम अभी भी लोगों की कॉमन सेंस ही चेक करते हैं और यहाँ पर हम रेमन सर्कस में आए थे लोगों की कॉमन सेंस को चेक करने के लिए जिसमें हमने आपको दिखाया कितने लोग ऐसे हैं जो कॉमन सेंस इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कॉमन सेंस नहीं इस्तेमाल करते हमारे सवालों को नहीं सुनते हैं नहीं समझते हैं उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको एंटरटेनिंग लगा होगा और आपने शायद कॉमन सेंस यूज करनी शुरू कर दी हो हमारे आज के प्रोग्राम के बाद इस प्रोग्राम के रिलेटेड अगर सजेशन देना चाहते हैं तो हमें फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे बता सकते हैं हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/jkdigitalmedia और व्हाट्सएप नंबर है 8716964444 अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कॉमन सेंस के साथ तब तक के लिए मुझे यानी कि रजत सेठी को और कैमरामैन बड्डी डिग्रिया को दीजिए इजाजत फिर मिलेंगे नमस्कार